आज हम बनाएंगे यम्बलेशियस चीज़ी रिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी रिंग्स। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ये आलू, ये मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिए, ठीक है। और इनमें अब ये चीज़ें जाएंगी, काली मिर्च, नमक, बटर बॉईल हुए हुए, और ये स्वीट कॉर्न्स और चीज़, क्योंकि चीज़ी रिंग्स हैं तो चीज़ जाएगी। और उसके अलावा मिक्स हर्ब्स, ठीक है। ये हैं इनके इसके इंग्रेडिएंट्स। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, चाहें तो हाथ की मदद से कर लें ताकि ये मैश हो जाए। इस बोल में चला गया 2 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और ये जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब नमक, ठीक। इसमें जाएगा ऑयल आप 4 to 5 टेबलस्पून कर लीजिए ताकि अच्छी खस्ता से बने, ठीक है। और इसको मिक्स कर लीजिए और ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। अब इसमें अपने हिसाब से पानी डाल के सख्त सी डो बना लीजिए, जिससे आटे की बनाते हैं। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, ग्रेजुअली डालना। डो तैयार हो गई, अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे जिस तरह अपने हिसाब से, जैसे समोसे के लिए बनाते हैं या रोल्स के लिए, ठीक है। ये आप बैटर इसमें डालिए, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे फोल्ड, ला लीजिए बैटर को, इसको यूज कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसकी हेल्प से आप कट्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ एंड से जॉइन रहे, ठीक है। एंड से जॉइन रहे, अब इसको रोल करेंगे। अब इसको हम यूं रिंग की शेप दे देंगे। यहाँ हमने जो बैटर बनाया है, मैदे और पानी का, ये हम लगाएंगे, इससे जॉइन कर लेंगे। ये आप सबको आता ही है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप पहले फिलिंग रख लें बाद में कट्स लगाएं, या पहले कट्स लगाएं बाद में फिलिंग रखें। इसलिए मैंने यहाँ पहले कट्स लगाएं, क्या आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे। और उसी तरह से रोल करेंगे। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए बन गया आपका रिंग। अगेन हम यहाँ पे वो बैटर लगाएंगे। इजी रिंग्स तैयार हो गए। हमने यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और ये मीडियम हीट पर रखा है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे
क्लियर कैसे ये रिंग्स बने हुए, ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये देखिए ये हो गए हैं, गोल्डन हो गए। उनको हम पहले निकालेंगे पेपर टॉवल पे। ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म चीज़ी रिंग्स। ये देखिए आप, और इसको आप अनारदाने की चटनी के साथ एंजॉय कीजिए।